अभी हम मौजूद हैं कोलकाता शहर में। दो अहम रेलवे के जंक्शन हैं, एक हावड़ा है और एक सियालदह है, जहां से रोज़ाना दूसरे रास्तों के लिए गाड़ियां खुलती हैं बड़ी तादाद में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी 10 से 12 ही गाड़ियां खुल रही हैं सियालदह स्टेशन से, जो दूसरी रियासतों को जाती है, जिनमें राजधानी शताब्दी और दार्जिलिंग वगैरह की कुछ ट्रेनें अहम हैं। बाकी तमाम ट्रेनों को बंद कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, जिनमें आम दिनों में यहाँ 52 से 54 गाड़ियाँ यहाँ से सियालदह रेलवे स्टेशन से छूटती थी, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ है गाड़ियों की तादाद काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से इसका असर, बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले, रोज़गार करने वाले कुलियों पर पड़ रहा है। बहुत बुरा हाल है यहाँ पर, तो हम लोग ऐसे घूम रहे हैं, कभी 10 रुपया मिल रहा, नहीं मिल रहा, खाने पीने मर रहे हैं हम लोग। आए तो अब जाए तो जाए, कहाँ जाएंगे? हमने तो राजधानी तुरंतो, दार्जिलिंग, पदार्थी, कंचन करने, उत्तर बंगलो, यही सब चल रहे, गंगा सागर। कितनी ट्रेन है टोटल जो अभी चल रही है? 6 गाड़ी चल रहा, आम दिनों 8 गाड़ी है। तो उस जमाने में कितनी कमाई हो जाती थी? वो वही 200-400 होता, अभी तो वो भी नहीं हो रहा। कितना हो रहा है एक दिन में? अरे 100-200 मिल जाए वही बहुत है। हाल बहुत खराब है भाई, बोलने योग्य नहीं है, आपसे क्या कहा जाए। आप कहाँ के हैं? हम यूपी के रहने वाले हैं, बलिया के। यहाँ परमानेंट कितना साल से काम कर? 24-25 साल हो गया मेरे। एक दिन में कितना कस्टमर मिल रहा? यही 100-150 मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। कस्टमर नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे? रहते कहाँ आप लोग हैं? हम स्टेशन में रहते हैं, हम लोग का कुली विश्राम गृह है। हाँ ना, बहुत कुली चले गए हैं यहाँ, तो 20 कुलिये बचा है, अब मरेगा कोई यहाँ रह करके? खाने का पैसा नहीं मिल रहा है, बाल बच्चों के तो गोली मारी है। अब तो आपसे कॉल रहे हैं कि रेल कुली विश्राम गृह दिया है, उसी में हम लोग रहते हैं, अपना बनाते हैं, खाते हैं, जो मिल गया साग साथ तो बनाते हैं, नहीं तो किसी दिन उपास भी रहना पड़ जाता है। जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? लॉकडाउन जैसा कभी हालत नहीं हुआ था, बहुत ख़राब चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन जब से हुआ कितना कमा रहे हैं? अभी 100-150, ज़्यादा से ज़्यादा 200, इससे ज़्यादा नहीं। पहले जब सब कुछ ठीक रहता था वो 300-400 कमा लेते थे। कहाँ से तालुका आपका? कहाँ रहे, कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले हैं, बिहार भोजपुर आरा से। तो मैं वो कुली काम करके 400 से 500 रुपये कमा लेते थे, लेकिन जब से लॉकडाउन नाफिज किया गया है 10 से 12 गाड़ियाँ ही चल रही हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स कम आ रहे हैं, ट्रेन कम होने की वजह से, और वो मुश्किल से 100 से 150 रुपये ही कमा पा रहे हैं। उनका कहना है कि किसी तरह से उनकी ज़िंदगी चल रही है। इनमें ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक दूसरी रियासतों से, यहाँ जो कुली का काम करते हैं उनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है यूपी और बिहार से है। इनके कई मसाइल और भी हैं, इनका कहना है कि यहाँ दिन रात धूप हो या बारिश हो, यहीं धूप हो तो धूप में जलना पड़ता है, और बारिश हो तो बारिश में भीगना पड़ता है। रेलवे से कई बार इन्होंने गुजारिश की है कि इनके लिए भी टैक्सी स्टैंड और ये जो गाड़ियों के स्टैंड है उनके पास कुछ शेड बना दिया जाए, ताकि उनको थोड़ा सा आराम मिले, लेकिन इनका कहना है कि रेलवे के तरफ बार बार बोलने के बाद भी इनकी बात नहीं सुनी जा रही है। उस पर से अब लॉकडाउन की मार भी ये झेल रहे हैं, काफ़ी परेशान हैं। इनका कहना है कि आम दिनों में आराम से इनका घर चल जाता है, यहाँ से ये यहाँ रहते हैं, उनके फैमिली जो है यूपी बिहार में है, उन वो अपना घर चला लेते आराम से, लेकिन फिलहाल ऐसा है कि इनके आज यहाँ खाने पीने के ही लाले पड़ गए हैं। कोलकाता से ETV भारत, आफाक हैदर।